अब देखेंगे 9.3 लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स। लाइब्रेरीज किसको कहते हैं? जहाँ किताबें जमा की जाती हैं, और आर्काइव्स कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जहाँ की जाती है उसको आर्काइव्स कहते हैं। लाइब्रेरीज आर द स्टोर हाउसेज ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। तो लाइब्रेरीज ये क्या भंडार है, स्टोर हाउस मतलब भंडार है किसके, नॉलेज के और इंफॉर्मेशन के भंडार होते हैं। लाइब्रेरी साइंस इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू मैनेजमेंट साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जो लाइब्रेरी साइंस जो होता है, साइंस का मतलब क्या, सिस्टमैटिक स्टडी, ओके, सिस्टमैटिक स्टडी। लाइब्रेरी साइंस जो होता है ये मैनेजमेंट साइंस, मैनेजमेंट कैसा करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर का यूज़ एंड द फील्ड ऑफ एजुकेशन और एजुकेशन, ये सब के नज़दीक होता है, रिलेटेड होता है। लाइब्रेरीज परफॉर्म वेरियस टास्क लाइक कलेक्टिंग बुक्स। तो लाइब्रेरीज में क्या होता है, उसमें अलग अलग टास्क होता है, काम होता है, जैसे कलेक्टिंग बुक्स, बुक्स को कलेक्ट करना है, अरेंजिंग देम सिस्टमेटिकली, किताबों को अरेंज करना है, इधर उधर नहीं रखना है, उसको अरेंज भी करना होता है, सिस्टमेटिकली अरेंज करना होता है, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ दोज बुक्स, और किताबों को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उसको हिफाजत करना पड़ता है, सही सलामत रखना पड़ता है, दिमाग वगैरह ना लगे, खराब ना हो जाए, तो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। डिसमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन सोर्सेज एक्सेट्रा। डिसमिनेशन मतलब जो इन्फॉर्मेशन सोर्सेज है उसको फैलाना होता है, स्प्रेड करना होता है, डिसमिनेशन मतलब स्प्रेड करना। तो ये सब पूरे क्या होते हैं, लाइब्रेरीज में होता है। मेनी ऑफ दीज टास्क आर कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स। ये 21st सेंचुरी है, तो ये जितने भी काम है ज़्यादातर कंप्यूटर की मदद से की जाते हैं, पहले नहीं होता था लेकिन अभी कंप्यूटर की मदद से की जाती है। टू मेक अ बुक अवेलेबल टू अ रीडर एज पर हिज रिक्वायरमेंट। तो कोई भी किताब रीडर को अवेलेबल करके देना उसके ज़रूरत के हिसाब से, ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कोई भी अगर हम लाइब्रेरी में जाएंगे, हम अगर उनको बताएंगे कि हमको ये किताब चाहिए, तो उसको घंटों नहीं लगना चाहिए किताब देने के लिए, वो पटापट से क्या कर सकता है, फाइंड कर सकता है कौन से शेल्फ पे कौन सी किताब है विद हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर, और वो दे देता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइब्रेरी मैनेजमेंट की। द रॉयल लाइब्रेरी ऑफ अशुरबनीपल 7th century BCE। तो रॉयल लाइब्रेरी अशुरबनीपल के 7th century BCE के, द असीरियन एम्पायर इन मेसोपोटामिया, ये किसके बिलोंग करते हैं, असीरियन एम्पायर मेसोपोटामिया। द लाइब्रेरी एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी 5th century BCE टू 5th century CE। तो 5th century BCE से लेके 5th century CE तक कौन सी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी एट तक्षशिला। एंड द लाइब्रेरी इन अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट 4th century BCE। और इजिप्ट में जो लाइब्रेरी है अलेक्जेंड्रिया में 4th century BCE की, आर सपोज्ड टू बी द अर्लीस्ट लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड। तो लाइब्रेरीज ये आज हम नहीं देखते, ये पहले से है, हमारे जो पूर्वज है ये भी क्या करते थे, लाइब्रेरीज मेंटेन करते थे, लाइब्रेरीज क्या करते थे, मेंटेन करते थे। द सरस्वती महल ग्रंथालय इन तंजावुर तमिलनाडु वॉज बिल्ट इन 16th-17th century ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ नायक डिनेस्टी। ओके, तो सरस्वती महल ग्रंथालय ये तंजावुर में, तंजावुर की तरह तमिलनाडु में, ये 16th-17th century में बिल्ट किया गया था, बनाया गया था, और किसने बनाया था, नायक डिनेस्टी ने। नायक डिनेस्टी कौन है, नायक डिनेस्टी ये तेलुगु रूलर्स है, ये क्या है, तेलुगु रूलर्स है, और इन्होंने 1529 से लेके 1730 तक इन्होंने रूल किया। और आज के ज़माने का वो कौन सा एरिया कौन सा है, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु ये एरिया है, वहाँ नायक डिनेस्टी थे, इनको मदुराई नायक्स भी कहा जाता था, और मदुराई इनका कैपिटल था। तो इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, कौन सा, सरस्वती महल ग्रंथालय इन्होंने शुरू की थी। इन 1675 CE वेंकोजी राजे भोसले कॉन्कर्ड तंजावुर एंड एस्टेब्लिश्ड हिज इंडिपेंडेंट रूल। तो 1675 में वेंकोजी राजे भोसले ने तंजावुर को क्या किया, इस पर कब्जा किया और अपना रूल उधर स्थापित किया। वेंकोजी राजे भोसले कौन है, ये शिवाजी महाराज के छोटे भाई हैं। वेंकोजी राजे भोसले एंड हिज सक्सेसर, मतलब उनके आने वाले बाद में उनके जो खानदान में के लोग आने वाले महाराजा वगैरह आगे, उन्होंने क्या किया, केप्ट एक्सपांडिंग सरस्वती महल ग्रंथालय। तो सरस्वती महल ग्रंथालय को इन्होंने क्या किया, एक्सपांड करते गए, मतलब डॉक्यूमेंट्स को और बुक्स को उन्होंने क्या किया, जमा करते गए और सरस्वती महल ग्रंथालय को एक्सपांड किया। सरफोजी राजे भोसले कॉन्ट्रीब्यूटेड द मोस्ट इन दिस एक्सपांशन। तो ये एक्सपांशन में सबसे बड़ा रोल, किरदार किसने निभाया, सरफोजी राजे भोसले ने बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाया। इन 1980 द लाइब्रेरी वॉज रीनेम्ड एज द तंजावुर महाराजा सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी इन हिज ऑनर। तो सरफोजी राजे भोसले ने क्या किया था, ये ग्रंथालय को एक्सपांड करने में बहुत बड़ा किरदार निभाया था, इसके लिए 1918 में ये लाइब्रेरी को रीनेम किया गया। क्या करके रीनेम किया गया, द तंजावुर महाराजा सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी, उनके याद में, ऑनर में।
देयर आर सेवरल नोटवर्दी लाइब्रेरीज इन इंडिया. तो इंडिया में बहुत सारे नोटवर्दी लाइब्रेरीज है. फॉर एग्जाम्पल नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में है, कोलकाता में, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी दिल्ली में, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी हैदराबाद में है, लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी एंड डेविड ससून लाइब्रेरी मुंबई में. तो बहुत सारे अलग अलग लाइब्रेरीज इंडिया में मौजूद है. फ्रॉम द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, द मैनेजमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्काइव्स किसको कहते हैं, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लाइब्रेरी कलेक्शन ऑफ बुक्स. ओके, तो अगर हम टेक्निकल पॉइंट से देखेंगे, मैनेजमेंट ऑफ आर्काइव्स इज अकिन टू लाइब्रेरी मैनेजमेंट. तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट और आर्काइव्स मैनेजमेंट, ये दोनों क्या है, सेम है, एक जैसे है. अकिन का मतलब सिमिलर है, सेम, एक जैसे है. प्रिजर्विंग डॉक्यूमेंट्स विथ इंपॉर्टेंट कंटेंट इन देयर ओरिजिनल कंडीशन. तो डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल कंडीशन में प्रिजर्व करना, जैसे वो पहले से है उसी कंडीशन में उसको प्रिजर्व करना. प्रिपेयरिंग इंडेक्सेस, इंडेक्सेस बनाना. इंडेक्सेस हमें पता है इंडेक्स क्या होता है, कि कौन से पेज पे क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो इंडेक्स बनाना. एंड क्रिएटिंग एक्यूरेट सिस्टम ऑफ रिट्राइवल ऑफ डॉक्यूमेंट. और ऐसा सिस्टम बनाना, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो सिस्टम से हमें पता चले कि वो डॉक्यूमेंट हमें कहाँ मिलेगा, कोई कौन से शेल्फ में मिलेगा, कौन से पेज नंबर में मिलेगा. तो ऐसे सिस्टम्स को डेवलप करना, क्रिएट करना, आर द इम्पॉर्टेंट टास्क इन द मैनेजमेंट ऑफ आर्काइव्स. तो ये इम्पॉर्टेंट काम है, आर्काइव्स मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट काम है. कैसा, डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना, इंडेक्स बनाना और एक्यूरेट सिस्टम तैयार करना. डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द आर्काइव्स आर सपोज टू बी वेरी रिलायबल. तो जो आर्काइव्स में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये वेरी रिलायबल होते हैं, क्योंकि अभी देखो बुक क्या होते हैं, बुक्स लोग क्या करते हैं, अब लिखी जाती है, लेकिन जो आर्काइव्स होती है, क्या पुराने ज़माने में लिखी जाती है, लिखी जाती थी पुराने ज़माने में, जैसा चमड़े पे लिखा, लकड़ी के बार्क पे लिखा, या फिर किसी प्लेट पे लिखा, मेटल पे लिखा, तो ये पुराने थे, तो ये रिलायबल होती है, कि इससे पुराना इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है. किताबें तो ये अभी भी शुरू होगी, पेपर का इन्वेंशन ये अभी भी हो गया 100-200 साल में. बिकॉज ऑफ द हैवी डिपेंडेंसी ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज बिकम एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स. अगर हम देखेंगे, अगर लाइब्रेरी और आर्काइव्स को अगर हम मैनेज करना है, तो कंप्यूटर सिस्टम पर हमको हैवीली डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी इंसान जाके क्या कर सकता है, अगर हमको डॉक्यूमेंट्स देखना है तो जाके डॉक्यूमेंट्स नहीं देख सकते, क्योंकि डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, वो फ्रेगाइल होते हैं, टूट सकते हैं, पुराने डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, और वो किसी के लिए दिया नहीं जाता देखने के लिए. ओके, और अगर लाइब्रेरी भी होगा, लाइब्रेरी में बुक्स होते हैं, तो कौन सी बुक किधर है, कौन से शेल्फ में है, ये भी नहीं पता होता. तो ये हैवीली किस पे डिपेंडेंट है, कंप्यूटराइज सिस्टम पे डिपेंडेंट. तो हम इसको छोड़ नहीं सकते, इनएविटेबल मतलब छोड़ नहीं सकते, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. द फर्स्ट ऑफिशियल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, द इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1891 CE इन कोलकाता. इसको भी अंडरलाइन करके लो. तो फर्स्ट ऑफिशियल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ये कब, उसे क्या कहते हैं, इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, ये 1891 में एस्टेब्लिश किया गया था कोलकाता में. इट वॉज शिफ्टेड टू दिल्ली इन 1911. तो ये दिल्ली को, उसके बाद में कोलकाता से दिल्ली को शिफ्ट किया गया था कभी 1911 में. इन 1998 द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हॉनरेबल के आर नारायणन ओपन द आर्काइव्स फॉर पब्लिक. तो 1998 में हमारे जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त के, आर नारायणन ने इसको क्या किया था, पब्लिक के लिए ओपन किया था 1998 में. किसको, इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट को. इट इज़ अ डिपार्टमेंट अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. तो ये जो डिपार्टमेंट है किसके अंडर में आता है, किसके कंट्रोल में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आता है. द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन प्रिजर्व्ड हियर इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम 1748. तो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ प्रिजर्व किए गए हैं, ये कैसे थे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के मतलब क्या, ये साल में क्या, उसके नेक्स्ट ईयर में क्या, उसके नेक्स्ट ईयर में क्या, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसमें अरेंज किए गए हैं, और वो भी 1748 से. इट इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स इन इंग्लिश. तो इसमें जो रिकॉर्ड्स है, ये कौन से लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश में है, अरेबिक में है, हिंदी में, पर्शियन में, संस्कृत में और उर्दू में भी अवेलेबल है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स इन मोदी स्क्रिप्ट. तो मोदी स्क्रिप्ट में भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, मोदी इस टाइप की एक स्क्रिप्ट है, इसमें भी ये अवेलेबल है. द रिकॉर्ड्स आर क्लासिफाइड इन फोर कैटेगरीज. इसमें जो रिकॉर्ड्स है, इसको फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई मतलब डिवाइड किया गया है. एक है पब्लिक रिकॉर्ड्स, जो पब्लिक से रिलेटेड रिकॉर्ड्स है वो पब्लिक रिकॉर्ड. दूसरा है ओरिएंटल स्टडीज. ओरिएंटल मतलब क्या, एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट में जितने देश है उससे रिलेटेड जो स्टडीज़ है उसको ओरिएंटल स्टडीज़ में आता है. मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट किसके कहते हैं, जो हाथों से लिखी गई है किताबें या डॉक्यूमेंट्स, वो मैन्युस्क्रिप्ट. एंड प्राइवेट रिकॉर्ड्स, और ये पर्सनल रिकॉर्ड्स होते हैं, कोई राजा महाराजा के, पॉलिटिशियन के प्राइवेट रिकॉर्ड्स, ये भी इसमें, ये चार कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है. गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इन इंडिया मेंटेन इंडिपेंडेंट आर्काइव्स. तो इंडिया में
अलग अलग स्टेट है, तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट क्या करते हैं, अपने अपने इंडिपेंडेंट आर्काइव्स को क्या करते हैं, मेंटेन करती है। द आर्काइव्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हैज ब्रांचेज इन मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद एंड नागपुर। तो जो महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, ये जो आर्काइव्स मेंटेन करते हैं, इसकी ब्रांचेस की तरह मुंबई में भी है, पुणे में है, कोल्हापुर में है, औरंगाबाद है और नागपुर में है। देयर आर अबाउट 5 करोड़ मोदी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू मराठा हिस्ट्री इन द पुणे ब्रांच। तो जो पुणे ब्रांच में है, मराठा हिस्ट्री को लेकर कितने डॉक्यूमेंट है, 5 करोड़ डॉक्यूमेंट है, और एक इसमें मोदी डॉक्यूमेंट, मोदी स्क्रिप्ट में 5 करोड़ मराठा हिस्ट्री से रिलेटेड। देखो, दिस डॉक्यूमेंट्स आर रेफर्ड टू एज पेशवा दफ्तर। इसको अंडरलाइन करके लोगों, ये डॉक्यूमेंट्स को क्या कहा जाता है, पेशवा दफ्तर कहा जाता है।